नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से 10 मई से लेकर 20 मई का समय, जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इन समय अंतराल में भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। सिया दोस्तों, यश में भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपको कई अनचाहे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई क्षेत्रों में आपको लाभ और कई बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। जिया दोस्तों, भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से इन 10 दिनों का समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों ग्रहों की भी बहुत ही शुभ तिथि यश में बनने वाली है, जिनका सीधा असर आपके जीवन काल पर होगा और इनका शुभ परिणाम भी आपको इन दिनों में देखने को मिलेंगे। जिया दोस्तों, भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका यश में बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वे बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो दोस्तों जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि यश में आपको किन किन चित्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन चित्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से संकट मोचन का नारा लगाएगा, गुरु जी का और भगवान महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी जिंदगी से कुछ राहत भी यश में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी जो भी कार्य है, जो भी प्लानिंग है, वह यश में कर सकते हैं। ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों पेशे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी रहेगी, परंतु दोपहर के बाद स्थिति जो है सुलझ जाएगी। किसी भी बात पर जो है विश्वास करने से पहले उसके बारे में आपको इसमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहिए, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों के साथ संबंध को इसमें मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा लिए गए प्रयत्नों को यश मिलने के लिए और वक्त लग सकता है। अत्यधिक बातों में ये जो समय है आपके लिए, आप रुचि भी ले सकते हैं। आपके अंदर की कला को पेश करने के अवसर भी यश में आपको प्राप्त हो सकते हैं। लोगों के साथ मेलजोल बना रहने की वजह से भी आपका जो जन संपर्क का दायरा है वह भी यश में बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, दोस्तों यश में उससे संबंधित अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बन रही है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी आपके ऊपर यश में बना रहेगा। दोस्तों किसी नजदीकी संबंधी द्वारा आपको कोई शुभ सूचना मिलने से आपके मन बहुत अधिक प्रसन्न भी रह सकता है। साथ ही दोस्तों किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है, परंतु उत्तेजित होने के बजाय आपको यश में शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों इनसे समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त होगा। शॉपिंग आदि करते समय आपको अपने बजट का भी यश में ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपका फोकस बढ़ने की वजह से काम संबंधित जो भी बातें हैं आप जो है वक्त पर पूरे भी कर पाएंगे। दोस्तों खुद के जो भी काम है उनके प्रति आपका रुचि बढ़ना और एकाग्रता रहना आपको इसमें आर्थिक प्रगति दिलाने वाले हैं, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें और काम पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों दिन भर व्यवस्था बनी रहेगी, मेहमान नवाजी तथा मौज मस्ती में भी कुछ समय व्यतीत होगा। सूझबूझ से लिए गए जो भी निर्णय होंगे यश में आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूती प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों काम को जो है पूरा करने के प्रति उत्साह भी यश में आपके ऊपर बना रहेगा और आप पूरा जोश और भरकश के साथ कार्यों को यश में कर भी पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता भी यश में आप प्राप्त कर पाएंगे।
साथी दोस्तों यशमी किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी भी आपको पड़ सकती है, परंतु अपने बजट का भी यशमी आपको ध्यान रखना चाहिए। चचेरे भाई बहनों के साथ भी किसी छोटी सी बात को लेकर संबंधों में खटास आ सकती है। बेहतर होगा कि ज़्यादा बाद में ना पड़े और इनसे आप दूर ही रहें तो आपके लिए यशमी आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के जो भी काम है या फिर घर संबंधी जो भी आपका कर्जा है यशमय कम होगा। दोस्तों आप पर जो बने हुए आर्थिक संकट है उनका तनाव भी यशमय आपके ऊपर जो है कम रहेगा। लेकिन दोस्तों इसका जीवन शैली या फिर परिवार पर असर नहीं होगा। करीबी मित्र के द्वारा आपको मदद भी यशमय मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करना होगा आपके लिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अपने संपर्कों का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें, आपके लिए ये जो है फायदेमंद रहेंगे। महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के लोगों के साथ उत्तम समय भी यशमय व्यतीत होगा। दोस्तों यशमय में इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अपरिचितों लोगों से व्यवहार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा दोस्तों आपका कोई नुकसान भी कर सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको यशमय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो मानसिक तकलीफ आपको सता रही थी दोस्तों वह यशमय दूर होने लगेंगी। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। साथ ही दोस्तों मन की जो प्रसन्नता है इनकी वजह से खुद के प्रति और अधिक अपने जीवन के प्रति आपका सकारात्मकता बढ़ेगी, जिसके द्वारा दोस्तों आप जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी पर विश्वास इसमें ज़्यादा ना करें, बेहतर होगा कि दोस्तों अपनी उपस्थिति में ही सभी कार्यों को पूरे करवाएं। दोस्तों विद्यार्थियों को भी किसी जो है विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे, जिससे आपका मन भी यशमय प्रसन्न रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी निर्णय आपको इसमें स्वयं लेने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को स्वयं ही लें, किसी की मदद के बजाय आप स्वयं ही सभी कार्यों को करने में इसमें सक्षम भी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम में जो है इसमें आप रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अन्यथा दोस्तों मुश्किलें आपके ऊपर आ सकती है, इससे आप परेशान भी हो सकते हैं, तो इनसे आप इसमें बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्ववत ही रहेंगी। पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य में इसमें आपके अधिक से अधिक के समय भी व्यतीत होंगे। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, गुस्से की वजह से कोई भी आपका काम बिगड़ सकता है, तो दोस्तों यशमय इनसे आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्यस्थल तथा नौकरी में आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी प्रेम और भी सामंजस्य भी उत्तम बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण यशमय खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को यशमय विवाह में परिणित होने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों यशमय पारिवारिक स्वीकृति इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशमय दिन भर की व्यवस्था के बावजूद भी परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, इनका दुष्प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों काम की अधिकता की वजह से कभी कभी तनाव और थकान हावी रहेंगे, बेहतर होगा कि कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि सुस्ती और थकान तो हावी रहेंगे ही तथा दोस्तों काम को करने में आपका मन भी इससे कम लगेगा।
मेडिटेशन तथा ध्यान करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों इन पर भी आप यश में ध्यान दे सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की भी आशंका लग रही है, लापरवाही ना बरतें तथा तुरंत इनका इलाज करें। दोस्तों ये जो सभी चीज़ें ये जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे।